ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स गोल्फ कोर्स आयोजित गोल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में देश भर के 100 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हुए और चैंपियनशिप में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में केंद्र सरकार के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की शामिल हुए और दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गोल्फ को रिच मैन स्पोर्ट्स माना जाता था, लेकिन इसमें आम लोगों की हिस्सेदारी बड़ी है, धीरे धीरे गोल्फ के खेल में अपना स्थान स्थापित कर लेगा। टूर्नामेंट आप लोगों को मालूम है कि ये तीसरा एडिशन है और बहुत ही अच्छा एक गेट टुगेदर है। सारे ग्रुप सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पे आज असेंबल हुए हैं। आपको मालूम है ये बहुत अच्छा एक गोल्फ टूर्नामेंट है और हम लोग सब लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं इस लवली वेदर और इन द लवली एम्बियंस ऑफ जेपी ग्रीन्स। आने वाले समय में इसको और ज्यादा बढ़ावा हमारे देश में भी मिले, प्लस जैसे स्पोर्ट्स के अंदर हमने कर दिखाया है, आज 40% मेडल हरियाणा के आते हैं, तो हम भी प्रयास करेंगे कि इस तरह के जो नए गेम आए हैं इंडिजिनस स्पोर्ट्स को छोड़कर उनके ऊपर भी प्रेरित किया जाए खिलाड़ियों को कि वो आए। और जैसे अब किक बॉक्सिंग ओलंपिक्स का पार्ट है, तो हरियाणा की लड़की ऋतु ने अपना स्पोर्ट बदलकर रेसलिंग से किक बॉक्सिंग की ओर जाने का काम किया।